डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12 नीट आईटीजेई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउट नट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउट नट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउट नट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। बीकेएसयू के ऐसे स्टूडेंट जो 2017-20 के पार्ट थर्ड के हैं, बार बार एक ही सवाल करते हैं, उनका रिजल्ट कब घोषित होगा, उसका डेट को जारी कर दिया है बीकेएसयू वाला पेपर के माध्यम से। साथ ही स्नातक पार्ट टू का एग्जाम फॉर्म कब से भराएगा, क्या कारण है कि इसमें देर हो रहा है, और पार्ट वन का असाइनमेंट का डेट कब तक बढ़ेगा, पूरा आपको डिटेल्स में बताएंगे। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बीकेएसयू आरा ऑफिशियल में आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर 15,600 छात्र मिलेंगे। जो भी सूचना रहता है हम लोग वहां पर डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बीकेएसयू आरा स्टूडेंट हेल्प का भी एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पर आप एक दूसरे को मैसेज करके हेल्प कर सकते हैं। पार्ट वन में बहुत सारे छात्र एक दूसरे का असाइनमेंट बनाने में हेल्प किए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे जो भी परिजन थे, मौसी थी, उनका देहांत हो गया है, तो आप लोग उनके आत्मा को शांति के लिए यहाँ पर ओम लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत मुश्किल से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन अभी सोनपुर हम लोग निकलने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर असाइनमेंट जमा करने का तिथि समाप्त हो गया है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं सोमवार को तिथि विस्तार का जारी होगा पत्र। देखिए ठंड के चलते बहुत सारे छात्र अभी भी जमा नहीं करे हैं, तो 12 फरवरी तक देख सकते हैं 12 फरवरी तक आपका तिथि को बढ़ाया जाएगा और इसका सूचना कल जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 10 मार्च तक 17-20 का पार्ट थर्ड का रिजल्ट को घोषित कर दिया जाएगा। कॉपी का स्कैनिंग शुरू कर दिया गया है, 10 मार्च तक आप लोग का रिजल्ट को घोषित कर देगा बीकेएसयू वाला। उसके बाद देखिए आपका अपडेट है कि पार्ट टू का जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसमें देरी क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको बता दें 19,000 कॉपी आपका जो था, 19,000 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग था। बहुत सारे छात्रों का ओएमआर, ये लोग सेंटर से मतलब जो भी आपका जाता है जहां कॉपी चेक होता है विश्वविद्यालय, भेजने में ही गड़बड़ा गया था। इस पर बीकेएसयू के कुलपति ने संज्ञान लिया है और ऐसे लोग पर देख सकते हैं कॉपी नहीं मिलने पर सनहा होगा दर्ज। और यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 19,000 में से 6,000 कॉपी का ये लोग निष्पादन कर दिए थे, लेकिन अभी 12,000 रिजल्ट पेंडिंग है। इसके चलते जो नूतन परिसर है, मतलब जो बीकेएसयू का न्यू कैंपस है, वहाँ के कर्मचारी जो भी थे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के, वहाँ के बंद करके पुराने कैंपस में कंप्यूटर सेंटर गए हैं। और वहाँ पर वीसी ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पर निष्पादन कीजिए। आज रविवार को भी वो लोग को बुलाया गया है और यही आदेश दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके पार्ट वन का रिजल्ट पेंडिंग का सुधार कीजिए, क्योंकि अब हम जल्द एग्जाम फॉर्म का सूचना देंगे छात्रों का कि ऑनलाइन आपका फॉर्म इस दिन से भराएगा पार्ट टू 18-21 का। 12,000 रिजल्ट पेंडिंग था, लेकिन इसके बाद देख सकते हैं बीकेएसयू के कुलपति ने इस पर बहुत टाइट संज्ञान लिया है, युद्ध स्तर पर हो रहा है कार्य रिजल्ट सुधार का। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी नूतन परिसर है वहाँ का बीकेएसयू एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट 3 दिन से बंद है और वहाँ के सारे कर्मचारी पुराने कैंपस में गए हैं। और वहाँ पर आपका जो भी निष्पादन हो रहा है रिजल्ट के रिगार्डिंग 18-21 का पार्ट वन का, 12,000 छात्रों का कॉपी को खोजा जा रहा है और उसको पुनः रीचेकिंग किया जा रहा है, पुनः उसमें मिलान किया जा रहा है कि पेंडिंग क्यों रिजल्ट है, क्या कारण है, पूरा उस पर विवरण दिया जा रहा है। तो आई होप पूरा डिटेल्स आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। शॉर्ट वीडियो है क्योंकि अब हम लोग सोनपुर निकलने वाले हैं, हमारी मौसी इस दुनिया में नहीं रहीं।